दोस्तों, अब तो हद ही हो गई भाई। मुस्लिम ही इस्लाम को बदनाम करने पर तुला हुआ है और हम गैर मुस्लिम को बुरा भला कहते हैं। एक तो हमारे मुल्क में हिजाब को पहले ही बैन करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे आवारा मुस्लिम जिनको ना दीन का कोई लिहाज है ना फिकर, इस्लाम को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और इन्हें इनकी गलती दिखाओ तो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए किस तरह से एक मुस्लिम लड़का लड़की स्टेशन प्लेटफार्म पर खुलेआम बेहयाई का काम कर रहे हैं। वो तो भला हो इस दीनदार मुस्लिम आदमी का जिसकी गैरत ने जोश मारी और उससे ये गंदी हरकतें देखी नहीं गईं, और उसने इन दोनों को खूब फटकार लगाई। इस भाई की हिम्मत को सलाम। देखिए पूरा वीडियो। ए, बुर्का इसीलिए पहने तुमने? क्या बोल, बुर्का क्यों पहना है? बुर्का तो पहने ये सब करने के लिए। मतलब क्या चाहता है कि ये सब तुम लोग करे? तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं, बुर्का इसीलिए पहने तुम? तुम बुर्का इसीलिए बनाया है वो बता? बुर्का इसीलिए बनाया है? हाँ, ये सब करवाने के लिए। क्या नाम है? अफसर नाम। हाँ, क्या होगा, क्या नाम? क्या क्या हुआ, क्या नाम है? बोलना बोलना। अफसर नाम। मुसलमान है ना? बड़ा मारिए देखो, यहाँ खड़ के लड़की बुर्का पहन के तो उसको यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहे हैं। ये पहले से ये जानवरों वाली हरकत करने की जगह है क्या वो बता? अबे ऐसे ही मुसलमान लोगों को लोग टारगेट कर रहे, तो बेशर्मी वाली हरकत कर रहा। देखो जरा भी समझ में आ रहा क्या कर रहा? सुना तो कर रही सबके सामने। एक मिनट मेरा भाई, देख मैं बुर्के तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर्सनल मैटर रहता ना, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, घर के कपड़े पहना कुछ भी कर, मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन भाई वो मेरे दीन मेरे इस्लाम का लिबास है। एक मिनट, इस्लाम की बात है। एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? तू मत पूछो, उन्होंने नहीं कर रहे थे। क्या नाम, क्या तुम्हारा? बोलो ना, नाम बोलो तुम्हारा। तुम्हारे अम्मी अब्बा को मालूम यहाँ ये कर रहे तुम? तो बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है? बुर्का मालूम किसकी सुन्नत है? जिनकी पूरी जिंदगी में एक बाल नहीं किसी गैर महरम ने देखा, ये बुर्का उनकी सुन्नत है। बहन के यहाँ पे ये चुम्मा चाटी कर रहे, क्या दिखाना चाह रहे दुनिया को? तो मुसलमान लोग ये सब करने के लिए पैदा हुए? मुसलमानों का ये काम है? अरे एक टाइम था कर्नाटक में, वो बहने अल्लाह उनको सलामत रखे, लोग बुर्के के लिए आवाज़ उठाएगी हमारा हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारी यही हरकत हुई है, मुसलमान बर्बाद हो रहा। इन्हीं हरकत हुई है मुसलमान हर तरफ से पीछे हो रहा। क्या समझ रहे तुम लोग, इस्लाम को क्या हल्के में ले लिए? दीन का मजा आ गई है। बुर्का है ना, एक मिनट, इसी की अब्बा की जागीर नहीं है, ये इस्लाम का दिया वाली बात है। अगर इसका अदब और एहतराम कर सकते हो तो पहनो। तो कोई गरज नहीं है तुम्हारी पहनने की। सही बात है, कोई गरज नहीं है पहनने की। मेरी बात सुन, बनता है ये सब मेरे को मत बता। देख क्या बोल रहा हूँ, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए, समझा? और तो मैं बोल रहा हूँ ना, आके बोला तो बुरा लगा। तू ऑन द स्पॉट पब्लिक पैलेस में तूने वो हरकत करा तो मैंने पब्लिक पैलेस में ही बोला। चार लोग अगर देख रहे हो ना तो सबको समझ में आना चाहिए बुर्का क्या चीज है। लेने दो की बात नहीं है, इस्लाम दलत कोई आएगा अपने को बर्दाश्त नहीं है। अपने लोग ही बर्बाद, अपने लोग ही बर्बाद कर रहे ना, फिर दीन का नाम अपने लोग ही खराब कर रहे ना। बुर्के का नाम कौन खराब किया? अपने लोग ही खराब किए ना। दुश्मनों की जरूरत है अपने को? तुम लोग बुर्का पहन के ये चीजें कर रहे हो, चलो नॉर्मली खड़े बात करे, मसला नहीं समझ में आता है। चुम्मा छाटी कर रहे, बेशर्मी की हद होती है। क्या बुर्का इसीलिए पहना है क्या? मुसलमान यही काम के लिए पैदा हुआ क्या? ये काम है मुसलमानों का? तुम लोगों को देख के ना लोगों की इमेज, लोगों के जहन में ना गंदा आता है कि बोले मुसलमान यही औरतें करती है, मुसलमान औरतें यही करती है। छड़ाना घर में जाते हराम को रंडी थाली लोग, और लोग बुर्का पहन के जाते। लोग क्या सोचते रहेंगे, अरे नॉन मुस्लिम है ना जो इस्लाम को नहीं जानते, उन लोग इस्लाम पढ़ने नहीं आएंगे, तुम्हारे घर में किताब पढ़ने नहीं आएंगे, उन लोग तुम्हारे किरदार को देख के तुम्हारे को समझेंगे, तुम्हारे मजहब का अंदाजा तुम्हारे किरदार से लगाएंगे। उन लोग क्या समझ रहे, दिन को हल्के पहन लिए? कोई भी आ रहा है कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी करके क्यों करके जा रहा है? इसी तरह तो पीछे हो ना, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ, घर पे तुम लगाओ, तुम्हारे घर पे फोन लगाओ ना, तुम्हारे घर पे। अरे मेरा भाई देख, समझ रहा हूँ भाई तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ, समझ रहे, अभी हम समझा दिए भाई, अब समझ गए ना। बोलो ना, तू चल नहीं भाई, देख मैं ना अभी, मैं सुन मेरी बात सुन, बोलना बोलना मेरा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मौत से डरता ही नहीं मैं, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत मेरे लिए तोहफा है, मौत से डरता ही नहीं मैं। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, मेरे को डाउट लगा था, मुर्गे की बदनामी नहीं करना, मेरे को तुम्हारी पर्सनल लाइफ कोई मतलब नहीं है। मेरे को तुम्हारी एक मिनट, एक्सेप्ट क्या है,
पब्लिक में क्या कर रहा था वो पब्लिक में क्या कर रहा था, कुछ भी क्या कर रहा, भुर्का पहन के करेगा, भुर्का पहन के करेगा, भुर्का पहन के करेगा। हम लोग समझे ना, भाई एक भाई अकड़ अकड़ मेरे साथ मत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई समझ रहा हूँ। तुम लोग मुसलमान है तो तुम लोग दीन की नॉलेज है, इस्लाम बेहयाई से बचने की बात करता है। एक बात लोग खुलेआम बेहयाई कर रहे हो, एक बात बता देना बोलना। हफ्ते में महीने में एक बार टाइम मिलता है, वो भाई क्या बोल रहा हूँ, मेरे जान समझा तू, टाइम मिलता है ना पढ़ के बात कर, कोई मसला नहीं। अरे भाई तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग का कुछ नहीं जा रहा। चलो आते आते लोग देख रहे ना, लोग गलत थिंकिंग कर रहे हैं, मुसलमान लोग ये करते बोले सबकी क्या, तो तुम लोग करके दिखा रहे, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे, समझा ना, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे।